नमस्कार दोस्तों, चाइनीज एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर पर बेस्ड जो हम 30 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पॉइंट्स की ट्रेनिंग कर रहे हैं, उसमें पॉइंट नंबर 9 की आज बारी है। तो MIP9 कहाँ पर आता है, क्या उसकी उपयोगिता है, कौन सा सिस्टम, कौन सा ऑर्गन उससे ताकत पाता है, आज हम उसके बारे में जानेंगे। दोस्तों, सबसे पहले यह जो बिंदु है MIP9, ये आपकी जो स्मॉल फिंगर है इसके एकदम यहाँ टिप पर आता है, रिंग फिंगर वाली साइड पे। इसी तरह से ये जो आपका दूसरा हाथ भी है, इसमें ये जो आपकी स्मॉल फिंगर है इसके इनर साइड पे यहाँ पर MIP9 बिंदु आता है। करना ट्रीटमेंट वैसे ही है, प्रेस एंड रिलीज, 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 प्रेस एंड रिलीज। 8 से 10 बार इस बिंदु को आप ट्रीट कर सकते हैं रेगुलर बेसिस पे, डेली बेसिस पे, दिन में एक बार दो बार। क्या करता है यह बिंदु? दोस्तों, यह बिंदु आपके हृदय को ताकत देता है, आपकी आर्टरीज को नरिश करता है, आपके जो हार्ट के वॉल्व हैं, खासकर पल्मोनरी वॉल्व और ऑर्टिक वॉल्व, उनको बचाता है, उनकी स्टिनोसिस होने से रोकता है। दोस्तों, यह जो बिंदु है, एक तो ये आपके हृदय को ताकत देता है, चाइनीज एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर के हिसाब से यह एक इमरजेंसी बिंदु है। हार्ट की अगर कोई भी प्रॉब्लम आ जाए और हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम में कोई इमरजेंसी कंडीशन आ जाए तो आपको इसे इमीडिएटली दबाना चाहिए और साथ ही साथ में मेडिकल हेल्प के लिए आपको पहुंचना चाहिए। यह जो बिंदु है, यह आपकी कंसंट्रेशन पावर को इम्प्रूव करते हुए आपके IQ लेवल को बढ़ाने में भी मदद करता है, जो ओवरऑल हमारी समझ की शक्ति है उसको बढ़ाने में भी है। पॉइंट जो है, ये बिंदु जो है, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, अब इस बिंदु की एकदम क्लोजअप लोकेशन, नज़दीक से इस बिंदु की लोकेशन को समझते हैं। MIP9 बिंदु कहाँ पे आता है, इसको देखते हैं। दोस्तों, यह जो स्मॉल फिंगर है इसकी जो इनर साइड है, रिंग फिंगर वाली साइड, यहाँ पे यह आता है, यह बिंदु, ये जो नाखून है, ये जो नेल है, इसके एकदम समीप यहाँ पर आता है। तो आपने इस बिंदु पर प्रेशर देना है, प्रेस एंड रिलीज, प्रेस एंड रिलीज, प्रेस एंड रिलीज। प्रक्रिया सभी बिंदुओं को ट्रीट करने की वही रहने वाली है। यह आपने जो पोजीशन है लेफ्ट हैंड में जान ली, इसको अच्छी तरह से आत्मसात कर लीजिए। अपने हाथ पर यह बिंदु कहाँ आ रहा है उसे नोट कर लीजिए। आइए अब राइट हैंड पे इसकी लोकेशन कहाँ आती है उसको देखते हैं। MIP9 बिंदु, ये जो आपकी स्मॉल फिंगर है, इसमें जो नेल है, नेल के एकदम पास यहाँ पे आती है। देखें, ये यहाँ पर आपने प्रेशर देना है। जैसा आपको बताया, ये हृदय से रिलेटेड इमरजेंसी कंडीशंस को ठीक करने में, आपके IQ लेवल, आपकी मेमोरी, आपकी कंसंट्रेशन को बढ़ाने में मदद करता है। तो इसे भी ट्रीटमेंट आप प्रेस एंड रिलीज, प्रेस एंड रिलीज, प्रेस एंड रिलीज, इसी मेथड से देते हैं। तो इस बिंदु को आप अच्छे से याद कर। तो दोस्तों, आज हमने जाना MIP9 बिंदु कहाँ पर आता है, उसकी एकदम क्लोजअप लोकेशन को हमने सीखा जाना, उसके माध्यम से आप किस तरह अपना IQ लेवल बढ़ा सकते हैं, अपनी कंसंट्रेशन पावर बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ये बिंदु चूंकि माइंड पर काम करता है तो ये एज एंटी डिप्रेशेंट भी यूज़ होता है, खासकर उन व्यक्तियों के लिए जिनको घबराहट यहाँ पर फील होती रहती है। आप धीरे धीरे इस बिंदु को रोज़ 8 से 10 बार प्रेस करते हैं, मलते हैं, तो आपके रोगी को बहुत फ़ायदा होता है। दोस्तों, हृदय से रिलेटेड कोई भी इमरजेंसी कंडीशन हो, इवन पल्मोनरी या ऑर्टिक वॉल्व में कोई प्रॉब्लम हो, तो यह MIP9 बिंदु आपकी मदद कर सकता है। तो आज हमने 1 से लेकर 9 तक के बिंदुओं का ज्ञान प्राप्त कर लिया हुआ है। अगले 10वें बिंदु पर अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मैं जगमोहन सचदेवा आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।